राजकुमार सैनी एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। पार्टी लाइन से हटकर बयान देने के लिए विवादों में रहने वाले सैनी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार की आलोचना की। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने भाजपा से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया है, सिर्फ इसकी घोषणा करना बाकी है। इसका इशारा राजकुमार सैनी ने शनिवार को भादस गाँव में कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान किया। दरअसल नूह जिले के दौरे पर आए सांसद राजकुमार सैनी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जनता में से नेता तैयार करूंगा, देश का कबाड़ा हुआ पड़ा है, ऐसे काम नहीं करूंगा, नए लोग होंगे, नया सिस्टम होगा और नए लोगों को मौका दिया जाएगा। सांसद ने आगे कहा कि लोगों ने भाषण तो खूब देख सुन लिए, भाषण की इस देश प्रदेश में कमी नहीं है बल्कि राशन की कमी है, क्योंकि नकली हाथों में सिस्टम चल रहा है। बहुत भाषण देश ने देख लिए, भाषण की कोई कमी नहीं, राशन की कमी हजार बार हो, कोई दिक्कत लोगों को नेताओं को नहीं है। ये देश नकली हाथों में चढ़ रहा है, देश के अंदर प्रजातंत्र जो कठपुतली बन रहा है, इस देश को नकली लोगों से आज़ादी मिले, इन सपनों के साथ हम इसे साकार करने के लिए 2019 के प्रयास कर रहे हैं। अपनी ही सरकार के फैसले की आलोचना करके सैनी क्या हासिल करना चाहते हैं, इसका इशारा वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। सैनी के इन बयानों को लेकर बीजेपी आलाकमान का रिस्पांस कैसा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। के बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।